हेलो गाइस, वेलकम टू सॉफ्टवेयर होप चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने किसी भी ब्लॉग पोस्ट में रिलेटेड पोस्ट कैसे शो कर सकते हैं अपने पोस्ट और पेज में। चलो फिर आपको मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूं और बताता हूं। देखिए, मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूं और आपको दिखा देता हूं कि किस तरह से वो शो होगा। ये देखिए, हमारा रिलेटेड पोस्ट जो है यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रिलेटेड पोस्ट है। कंटेंट व्यूअर सर्च करने के बाद देखिए, यहाँ पे पहला ही प्लगइन है जो कंटेंट व्यूअर के द्वारा बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करके रखा है। अगर सपोज कि आपके ब्लॉग पे रिलेटेड पोस्ट का ऑप्शन नहीं है तो ऐसा आप बना के आप अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं कि हर पोस्ट आर्टिकल है उससे रिलेटेड आप कैटेगरी बनाइए, और कैटेगरी बनाने के बाद आप यहाँ पे उस कैटेगरी को ला यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपके जो भी पोस्ट है उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे दिखते रहेंगे। विजिटर क्या करेगा, विजिटर को अगर ये पोस्ट रीड करने के बाद, वो नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद उसको उससे रिलेटेड कंटेंट मिला तो वो उस पर क्लिक करके वो उस दूसरे वाले पोस्ट पे भी जा सकता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको कैसे करना है वो देखते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पोस्ट में कैटेगरीज बनाने पड़ेंगे। यहाँ से कैटेगरीज बनाने के लिए जैसे कि जो भी रिलेटेड कंटेंट है उस कैटेगरी में आने चाहिए। जैसे कि मेरा प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर है तो प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर के जितने भी पोस्ट रहेंगे तो इसके अंदर आने चाहिए। तो इस तरह से आप बना के रखिए। इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आप जाके देख सकते हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे कैटेगरी बनाते हैं, हाउ टू क्रिएट कैटेगरी। चलो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और उसके साथ साथ मैं बताता हूँ इसको कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे अगर कंटेंट व्यूअर में जाएंगे तो यहाँ पे एक शॉर्ट कोड जनरेट होता है जो कि हमको अपने ब्लॉग पोस्ट में पेस्ट करना पड़ता है। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। ये जो मैं शॉर्ट कोड बना रहा हूँ वो मैं पीडीएफ सॉफ्टवेयर के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि शॉर्ट कोड को जनरेट कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, पोस्ट है, पेज है। नॉर्मली हम लोग ब्लॉग पोस्ट का बनाते हैं तो हम लोग अभी पोस्ट का सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले फिल्टर सेटिंग में ही रहेंगे, डिस्प्ले सेटिंग हम बाद में देखेंगे। तो फिल्टर हम कैसे किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि यहाँ पे कैटेगरी और टैग वाइज आप फिल्टर कर सकते हैं, कीवर्ड वाइज फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट बाय कर सकते हैं, ऑथर बाय कर सकते हैं। अगर ऑथर बाय करेंगे तो देखिए, यहाँ पे जितने भी ऑथर रहेंगे आपको सब दिख जाएंगे। जैसे कि देवेंद्रा और शुभम दो जन है तो यहाँ पे दो जन का दिख रहा है। अगर मैंने देवेंद्रा का पोस्ट का किया और यहाँ पे अपडेट व्यू कर दिया तो आप देखेंगे तो जितने भी देवेंद्रा ने पोस्ट बनाया वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। और सपोज कि यहाँ पे इसको शुभम कर देता हूँ और शुभम ने कितने पोस्ट बनाए, यहाँ पे जीरो। सपोज कि आपके वेबसाइट पे बहुत सारे गेस्ट पोस्टिंग भी होते हैं तो आप चाहते हैं कि आपके जो ऑथर हैं उनके सभी ऑथर के सारे पोस्ट अलग अलग हो तो उस तरह से आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कितने पोस्ट दिखने चाहिए। जैसे कि अगर मेरे को 20 पोस्ट दिखाना है, 50 पोस्ट दिखाना है तो यहाँ पे आप जो भी डालेंगे वो उस हिसाब से दिखेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैटेगरी वाइज कैसे कर सकते हैं। कैटेगरी में यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा कैटेगरी का आप करना चाहते हैं। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं पीडीएफ, ये देखिए पीडीएफ सॉफ्टवेयर आ गया। यहाँ पे अपडेट प्रीव्यू करेंगे, जितने भी पीडीएफ से रिलेटेड कंटेंट है यहाँ पे देखिए मेरा आ चुका है। आप कीवर्ड वाइज भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पे पोस्ट देखेंगे तो हमारा जो डिसेंडिंग ऑर्डर दिख रहा है, जो भी हमारा पोस्ट पहले हुआ है वो यहाँ पे दिख रहा है और जो पहले बाद में हुआ था वो पीछे की तरफ दिख रहा है। आप चेंज करना चाहते हैं उसको तो आप यहाँ पे सॉर्ट बाय कर सकते हैं, यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिसेंडिंग में करेंगे तो ये पोस्ट ऐसा दिख रहा है और सपोज कि असेंडिंग करेंगे तो हमारा जो पेज है वो नीचे हो जाएगा, मतलब जो पहले पब्लिश हुआ है वो लेटेस्ट में दिखेगा और अभी का पोस्ट वो नीचे चला गया। इतना होने के बाद आप यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे। डिस्प्ले सेटिंग में आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि ये किस तरह से दिखना चाहिए। जैसे कि आप ग्रिड वाइज दिखाना चाहते हो तो आप ग्रिड वाइज दिखा सकते हैं। यहाँ पे मैं ग्रिड वाइज दिखा रहा हूँ, हम अभी ग्रिड वाला देखेंगे। यहाँ पे ग्रिड पे सेट कर देता हूँ। अब ग्रिड में यहाँ पे अपडेट करेंगे इसको, यहाँ पे दो ग्रिड दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने आइटम पर रो दो सेलेक्ट करके रखा है। सपोज कि मैं यहाँ पे तीन कर देता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तीन करने के बाद यहाँ पे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे देखिए अभी तीन का ये शो हो रहा है अपडेट प्रीव्यू। ठीक है, यहाँ पे शो थंबनेल टेक्सचर वर्टिकल और वापस से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा ये दिख रहा है। देखिए यहाँ पे रीड मोर पे भी यहाँ पे बटन भी आ गया। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आगे और जो हमारा थंबनेल साइज है वो कितना होना चाहिए, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं।
ये देखिए हमारा थंबनेल काफी बड़ा हो गया। अगर आप यहाँ पे 300x300 रखेंगे तो थोड़ा सा छोटा है, देखिए यहाँ पे छोटा है। यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वर्ड्स होने चाहिए यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर सपोजिंग मेरे को 50 चाहिए तो मैं यहाँ पे मैं 50 करता हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कंटेंट का जो 50 वर्ड्स है वो आ चुका है, यहाँ पे 20 कर देता हूँ, बेटर दिखता है। अभी लास्ट है ओपन आइटम। अदर में क्या देखिए, ओपन आइटम है करंट और न्यू। इसका मतलब ये है कि जब भी ये पोस्ट पे कोई क्लिक करेगा तो एज ए न्यू न्यू टैब में ओपन होना चाहिए या फिर जो सेम पेज है उसी में ओपन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप न्यू कर सकते हो न्यू टैब, तो कोई भी पोस्ट पे क्लिक करेगा तो हमारा न्यू टैब खोलेगा, और अदरवाइज करंट टैब रखेंगे तो आप सेम टैब में ही ओपन हो जाएगा। अभी सपोज कि यहाँ पे करंट टैब नहीं रखेंगे, यहाँ पे न्यू टैब दें, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये हो गया। अभी यहाँ पे सिंपली हमको सेव करना है। सेव होने के बाद हम अभी हम चले जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, और एक मैं ऐसे साइड में रखा हूँ। गाइज अगर आपका जो थीम है रिलेटेड कंटेंट का वो नहीं सपोर्ट करता है तो आप इसको रिलेटेड कंटेंट एज ए रिलेटेड कंटेंट भी आप बना सकते हैं, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं किसी एक पीडीएफ का पोस्ट खोल लेता हूँ और मैं ये इसको ही रिलेटेड कंटेंट करके डाल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये है, ठीक है। यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर करूंगा पेज पोस्ट को। अब मैं चाहता हूँ कि वही जो हमारा पीडीएफ से रिलेटेड कंटेंट है वो रिलेटेड कंटेंट में दिखे, तो कैसे कर सकते हो वो दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑलरेडी मेरा जो थीम है वो सपोर्ट करता है कि रिलेटेड कंटेंट, तो यहाँ पे शो कर रहा है। बट अगर आपके इधर नहीं शो कर रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे शॉर्टकट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे और एक और टैब बनाएंगे। यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं, रिलेटेड पोस्ट का, ठीक है। आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए जो भी फॉन्ट आपको रखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा ये जो शॉर्ट कोड है इसको कॉपी कर लेंगे। और गाइज ग्रिड वाइज ही बेटर रहता है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग में ग्रिड वाइज कर देता हूँ। अभी ये कोलेप्सिबल है, अपडेट कर देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। अभी हमको यहाँ पे वो शॉर्टकट पेस्ट करना है, ये देखिए। अब जब भी रिलेटेड पोस्ट ऐसा बनाते हैं ना, तो आप ध्यान रखिए कम से कम दो या तीन ही हो, चौथा ना आए, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे फोर्थ वाला निकाल देना है। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड पोस्ट 3 कर देंगे, ठीक है। और दूसरा इसके लिए जैसे कि मैंने ये होम पेज के लिए बनाया था, आप रिलेटेड पोस्ट के लिए बना दीजिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपडेट कर दीजिए, यहाँ पे अपडेट करेंगे तो यहाँ पे तीन ही पोस्ट दिखेगा। गाइस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी इस तरह से शॉर्टकट आपको जनरेट करना है तो अलग जैसे कि रिलेटेड पोस्ट के लिए आपने शॉर्टकट जनरेट किया तो वो सिर्फ रिलेटेड पोस्ट पे वर्क करेगा, और जहाँ पे हमने जो सॉफ्टवेयर इसमें डाला था वो चेंज हो जाएगा इस रिलेटेड पोस्ट के जैसा। इसलिए अगर आपको अगर बनाना है तो यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट के लिए अलग बनाइए, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर रिव्यू जैसे कि किसी और जगह पे प्लेसमेंट दिखाना है, यहाँ पे 10-20 पोस्ट दिखाना था तो यहाँ पे इसके लिए अलग बनाइए, और यहाँ पे तीन ही पोस्ट दिखाना तो तीन ही दिखाइए, ठीक है। उस तरह से आप नए अलग अलग बनाना पड़ेगा आपको, इसके लिए जितने भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस हैप्पी दिवाली, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Right now and press the bell icon.